hello everyone today we are going to solve uh, cyp of chapter number 8 question number 7 to question number last it means question number 11 so question number 7 is a fort has rations for 180 soldiers for 40 days after 10 days 30 soldiers leave the fort find total number of days for which the food will last so i have told you इन लास्ट वीडियो कि यहाँ पे हमें इस पर फोकस करना पड़ता है इन एक्सरसाइज 8.2 पॉइंट टू आई है तो यहाँ पे हमें यहाँ पे देखना होता है इट इज आफ्टर टेन डेज तो यहाँ पे मैंने टेबल बना आई हैव मेड अ टेबल हियर यू कैन सी नंबर ऑफ सोल्जर्स नंबर ऑफ डेज तो नंबर ऑफ सोल्जर्स स्टार्टिंग में कितने थे हैं वन लेकिन यहाँ पे आफ्टर टेन डेज आ रहा है तो हमें जो टोटल डेज यहाँ पे दिए गए हैं फोर्टी उसमें से ये माइनस करने पड़ेंगे स्टार्टिंग में तो फोर्टी माइनस टेन इट मीज थर्टी डेज नाउ थर्टी सोल्जर्स लीव द फोर्ट यानी कि थर्टी uh, सोल्जर्स छोड़ देते हैं उस फोर्ट को तो थर्टी को हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो सोल्जर्स कितने बचे हैं वहाँ पे वन फिफ्टी तो वन फिफ्टी जो uh, जो टोटल वन uh, फिफ्टी बचे तो वो मान के चलिए कि अगले एक्स डेज तक uh, यूज़ करेंगे जो भी फूड uh, मिल रहा है उन्हें जो भी राशन मिल रहा है वो अगले एक्स डेज तक उसे यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमें देखना है कि टोटल कितने डेज यहाँ पर लगे पूरा uh, राशन खत्म होने में कितने डेज यहाँ पर लगे तो हेयर यू कैन सी कि जितने ज़्यादा सोल्जर होंगे उत, आ, उतना ही uh, कम डेज में उस फूड को खत्म कर सकते हैं उस राशन को खत्म कर सकते हैं सो बोथ क्वांटिटीज़ आर इन इन्वर्स वेरिएशन सो इन इन्वर्स वेरिएशन आई हैव टोल्ड यू कि दोनों क्वांटिटी क्या होती है दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं जो कि कॉन्स्टेंट होती है यानी कि वन एट्टी इंटू थर्टी इज इक्वल टू वन फिफ्टी इंटू एक्स तो हियर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स सो द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी थर्टी सिक्स यानी कि जो ये एक्स की वैल्यू आई थर्टी सिक्स आई तो टोटल कितने डेज लगे थर्टी सिक्स डेज बाद में और टेन डेज पहले तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हुए यहाँ पे फोर्टी सिक्स डेज नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर एट दैट इज देर आर हंड्रेड स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल फूड प्रोविज़न फॉर दैम इज़ फोर ट्वेंटी डेज हाउ लॉन्ग विल दीज प्रोविजन्स लास्ट इफ ट्वेंटी फाइव मोर स्टूडेंट्स जो इन द ग्रुप तो लेट नंबर ऑफ डेज बी एक्स सो हियर आई हैव मेड अ टेबल हियर यू कैन सी नंबर ऑफ डेज जब 20 डेज uh, कितने स्टूडेंट्स के लिए था 100 स्टूडेंट्स के लिए अभी यहाँ पे 25 फाइव स्टूडेंट्स ने और ज्वाइन कर लिया है तो 100 प्लस ट्वेंटी फाइव विल भी वन तो यहाँ पे हमने uh, uh, ये 125 हंड्रेड ट्वेंटी फाइव इसे एक्स डेज़ में कंप्लीट कर लेंगे मतलब uh, जो फूड है उसे ख़त्म कर लेंगे तो हियर ऑल्सो यू कैन सी कि uh, यहाँ पे भी क्या है दोनों क्वान्टिटीज़ हमारी इनवर्स वेरिएशन में है ओके okay? Both quantities are in inverse variation, so we can write 20 into 100 is equal to x into 125. Here we have to find out the value of x, and the value of x will be 16 after solving this. Okay, now move to question number 9. Question number 9 is if four goats or six sheep can graze a field in 40 days, how many uh, days will four goats and 14 sheep? टेक टू ग्रेज द सेम फील्ड तो इन प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पे और यहाँ पे अगर और आया हो तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं तो फोर गोट्स किसके इक्वल हुआ सिक्स शीप के इक्वल होता है तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा या तो गोट्स को शीप में कन्वर्ट कर लो या शिप को गोट में कन्वर्ट कर लो ठीक है तो जब बात करें थे हम तो हमने शीप में कन्वर्ट कर लिया फिलहाल मैंने यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए फोर गोट्स हमारे सिक्स शीप के इक्वल हैं तो बाद में हमारे फोर गोट्स एंड फोरटीन शीप हैं तो एंड आ जाता है तो प्लस करना पड़ता है हमें दोनों को फोर गोट्स एंड फोर्टीन शीप जबकि फोर गोट्स किसके इक्वल हैं सिक्स शीप के इक्वल हैं है, और फोर्टीन शीप तो फोर्टीन शीप के इक्वल होंगे तो टोटल शीप कितने होंगे बाद में फ़ोर्टीन सिक्स ट्वेंटी शीप हो जाएंगे तो नंबर ऑफ डेज पहले फोर्टी थे कितने शीप के लिए सिक्स और बाद में जब ट्वेंटी शीप हो गए यहाँ पे देखिए फोर गोट्स हमारे सिक्स शीप के इक्वल एक थे तो हमने इन दोनों को ऐड कर लिया सिक्स और फोर्टीन को तो ये ट्वेंटी हो जाएगा तो जब ट्वेंटी शीप हो जाएंगे तो हमने यहाँ पे मान लिया ये एक्स डेज तक जो है ग्रेज करेंगे तो हियर ऑल्सो यू कैन सी अभी यहाँ पर भी वही चीज़ आ गई उनका भी मतलब ग्रेज़ करना उसे ग्राउंड uh, को या फील्ड को ये क्या होगा ये भी उनका फूड होगा तो हियर वी कैन से बोथ क्वान्टिटीज़ आर इन इनवर्स वेरिएशन सो इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है uh, जो uh, दोनों क्वांटिटीज का जो मल्टीप्लिकेशन होता है जैसे एक्स वाई इन्वर्स वेरिएशन में तो एक्स इंटू वाई क्या होता है हमारा कांस्टेंट होता है तो हियर वी कैन राइट फोर्टी इंटू सिक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी इंटू एक्स एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स तो व्हेन वी ट्रांसफर ट्वेंटी इट विल बी इन डिविजन तो वैन वी डिवाइड फोर्टी बाई ट्वेंटी देन वी हैव टू तो टू सिक्स जै ट्वेल्व तो वैल्यू ऑफ एक्स इज ट्वेल्व सो वी कैन से दे विल टेक ट्वेल्व डेज ओके They will take 12 days. Now move to question number 10. Question number 10 is A tap can fill a tank in 20 hours while the other can empty it in 30 hours. The tank being empty and if both taps are opened together, how long will it take for the tank to be half full? सो कैन सी की एक जो टैप है वो टैंक को ट्वेंटी आवर्स में फिल कर रही है और दूसरी जो हमारी अदर जो टैप है वो थर्टी आवर्स में उसे खाली कर रही है ठीक है तो अगर दोनों को साथ खोल दिया खोल दिया जाए ओपन कर दिया जाए और वो अभी टैंक जो है वो खाली है तो उसे भरना है तो उसके हाफ हाफ फुल होने में कितना टाइम लगेगा क्वेश्चन ये है तो सबसे पहले हम देखेंगे वन आर वर्क ऑफ फर्स्ट टैप क्योंकि ट्वेंटी आवर्स में करिए तो वन आवर वर्क कितना होगा उसका वन अपॉइंट ट्वेंटी होगा दूसरी से एम्प्टी कर रही है खाली कर रही है तो ये माइनस में जाएगा माइनस में जाएगा अगर जो चीज़ खाली कर रही है तो माइनस में जाएगा तो वन आवर वर्क ऑफ सेकंड टैप होगा हमारा माइनस वन अपॉइंट थर्टी तो अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो दोनों का वर्क कितना होगा हमारा वन अपॉइंट ट्वेंटी माइनस वन अपॉइंट थर्टी आफ्टर सोल्विंग आफ्टर टेकिंग एलसीएम ऑफ ट्वेंटी एंड थर्टी दैट विल बी सिक्स हंड्रेड एंड इफ वी डिवाइड सॉरी दैट विल बी सिक्सटी लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा अलग तरीके से कर दिया ये देखिए थर्टी वन जा थर्टी ट्वेंटी वन जाए ट्वेंटी एंड थर्टी को ट्वेंटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पे सिक्स हंड्रेड हो गया बाकी सिक्सटी भी आ जाएगा डायरेक्टली तो आफ्टर सॉल्विंग वी कैन सी वन डे वर्क ऑफ बोथ टैप्स विल बी वन अपॉन सिक्सटी ये वन डे वर्क हुआ नाउ वी हैव टू फाइंड आउट टाइम टेकन बाय बोथ टैप्स टू फिल द टैंक तो टाइम टेकन होगा इसका इनवर्स यानी कि सिक्सटी आवर्स तो पूरा टैंक फिल करने में सिक्सटी आवर्स लगेंगे तो लेकिन क्वेश्चन क्या किया गया है हाफ फुल होने में कितना टाइम लगेगा तो टाइम टेकन बाय देम टू फिल हाफ टैंक तो टोटल टैंक पूरा इलेवन इज थ्री एंड सेपरेटली कैन गोबला ग्रास ऑफर इन थ्री फोर सिक्स डेज रिस्पेक्टिवली हाउ मेनी डेज विल दे टेक टूगेदर टू फिनिश ऑफ पुअर चैप इफ द ग्रास ऑफर वेज सिक्सटी थ्री ग्राम फाइंड द शेयर ऑफ ईच तो यहाँ पे पहले आप देखिए यहाँ पे थ्री एंड्स हैं जो खा रही हैं ग्रासक पर को पहली एंड जो है उसे थ्री डेज में खा सकती है तो वन डे वर्क ऑफ फर्स्ट एंड कितना होगा वन अपॉइंट थ्री इसी तरह से वन डे वर्क ऑफ सेकेंड एंड वन अपॉइंट फोर डे वर्क ऑफ थर्ड एंड वन अपॉइंट सिक्स तो वन डे वर्क ऑफ ऑल एंड्स तो तीनों को हम ऐड कर देंगे यहाँ पे तो आफ्टर सोल्विंग इट विल बी थ्री अपॉइन फोर इट इज वन डे वर्क ऑफ ऑल एंड्स ओके नाउ टाइम टेकन बाय देम तो टाइम क्या होता इसका हो है इसका रेसिप्रोकल होगा यहाँ पे तो इट विल बी फोर अपॉन थ्री डेज और इन मिक्सड फ्रैक्शन वी कैन राइट वन होल वन अपॉन थ्री डेज ओके नाउ हमें इनका शेयर पता लगाना है कि ये तो ये तो हमारा पहला आंसर हो गया यहाँ पे यानी कि अगर तीनों एक साथ उस उसे खाने में लगे तो वन होल वन अपॉन थ्री डेज में उसे कंप्लीटली खा लेंगे तो फिलहाल हमें देखना है कि हर किसी का शेयर कितना होगा तो देखिए पहले देखते हैं इनके वन डे वर्क का रेशियो कितना है तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट एंड का था वन पॉइंट थ्री का वन पॉइंट फोर थर्ड का वन पॉइंट सिक्स तो ये हमारा हो गया वन पॉइंट थ्री वन पॉइंट फोर वन सिक्स अब हम इनका थ्री फोर सिक्स का एलसीएम फाइंड करेंगे और वो होगा हमारा ट्वेल्व तो यहाँ पे देखिए थ्री फोर जो ट्वेल्व कैंसिल करेंगे तो फोर थ्री जो ट्वेल्व एंड सिक्स टू जो ट्वेल्व तो इन तीनों का जो रेशियो आया वो जो शेयर का रेशियो आया वो आया फोर थ्री टू तो नाउ वी विल फाइंड सम ऑफ रेशियोज रेशियोज़ का सम फाइंड करेंगे तो इट विल बी फोर प्लस थ्री प्लस टू इट मीन्स नाइन ठीक है तो टोटल हमारा अपोन में आएगा यहाँ पे तो देखिए हर किसी का शेयर निकालना हमें यहाँ पे तो 63 ग्राम जो है वो ग्रासओवर का वेट है तो हमें अलग अलग अब देखना है आ, कि फर्स्ट एंड को कितना शेयर मिला तो शेयर ऑफ फर्स्ट एंड कितना होगा तो टोटल 63 का कितना मिलेगा टो सिक्सटी थ्री अपोन नाइन तो टोटल हमारा रेशियो है तो कितना रेशियो से मिल रहा है फ़ोर मिल रहा है तो देखिए यहाँ पे फोर अपोन नाइन इंटू तो नाइन सेवन या सिक्सटी थ्री एंड सेवन फोर या ट्वेंटी एट तो फर्स्ट एंड को जो शेयर मिल रहा है वो मिल रहा है ट्वेंटी एट ग्राम सेकेंड एड एंड का जो शेयर होगा वो कितना होगा देखिए यहाँ पे थ्री अपॉन नाइन मिलेगा उसे सिक्सटी थ्री का थ्री अपॉन नाइन तो नाइन सेवन जैसा सिक्सटी थ्री एंड सेवन थ्री जै ट्वेंटी वन ग्राम ओके नाउ शेयर ऑफ थर्ड एंड तो देखिए सिक्सटी थ्री ग्राम है टोटल तो यहाँ पे इसका शेयर कितना है टू है टोटल नाइन में से नाइन में से टोटल देखिए तीनों रेशियो का सम जो है हमारा नाइन है तो अपॉन में तो टोटल आता है यहाँ पे जिसकी हम बात करें तो थर्ड वन की बात करें तो थर्ड वन तो हमारा टू है ना रेशियो तो इट विल बी टू अपॉन नाइन इंटू सिक्सटी थ्री एंड वैन वी डिवाइड सिक्सटी थ्री बाई नाइन दैन वी हैव सेवन नाइन सेवन जै सिक्सटी थ्री तो इट विल बी सेवन टू जै फोरटीन ग्राम तो थर्ड एंड का जो शेयर होगा वो होगा फोटी ग्राम सो स्टूडेंट्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड स्टिल यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी थैंक यू वेरी मच